मक्खन मिश्री दे प्रसाद खाण नाल चार महिलावां ते दो बच्चियां दी सेहत विगड़ गई, जिस कारण लोकां दे विच दहशत दा माहौल पैदा हो गया। प्रसाद नूं मूंह च रखदे ही उन्हां नूं जलन होई, उस तों बाद उल्टियां लगियां। आनन फानन दे विच महिलावां ते दोनों बच्चियां नूं इक प्राइवेट अस्पताल च भर्ती करवाया गया, जिथे दो महिलावां दी हालत गंभीर दसी जा रही है। उन्हां दा गला ते जीभ बुरी तरह झुलस गए ने। मिली जानकारी दे अनुसार बहादुरगढ़ च बादली रोड ते इक श्रीमद भगवत कथा शुरू की गई सी, जिस तो बाद श्री कृष्ण जी का जन्म उत्सव मनाया गया ते समाप्त उपरंत खीर ते मक्खन मिश्री का प्रसाद संगत दे विच वंडिया गया। जिवें ही 5 तो लैके 6 दे करीब संगत नूं प्रसाद वंडिया गया तो प्रसाद खांदे ही उन्हां दे मूंह च तेज जलन होई, उल्टियां लगियां, जिस तो बाद यह प्रसाद किसी नूं नहीं वंडिया गया ते पीड़ता नूं तुरंत अस्पताल भर्ती करवाया गया, जिन्हां दे विचों दो महिलावां दी हालत सीरियस होने करके उन्होंने आईसीयू दे विच भर्ती किया गया। ऐसा हुआ था कि प्रोग्राम हो रहा था, महाराज जी भी आए हुए थे, अच्छी भीड़ थी, अच्छी संगत थी। जो जैसे ठाकुर जी कृष्ण जी का जन्म हुआ तो उसमें मिश्री का प्रसाद था, तो वो जो है बांटने लगे तो उसमें 2-3 4-5 आदमियों की तबीयत खराब होने लगी। जैसे मोहम्मदिया एकदम जलन से, पता नहीं वो माखन मिश्री के अंदर क्या ऐसा आ गया, उसमें हमें पता ही नहीं चला। ज्यादा फिर हमने प्रसाद बांट करके फिर उनको जो हॉस्पिटल ले गए, तो उनको जो है दिखाया भराया, तो यूँ करके नहीं जो है, अब हम यूँ नहीं पता चला कि प्रसाद में क्या चीज आ गई, क्या बांटा जाएगा। प्रसाद में जो है, जो जिसकी अब पत्नी जो हॉस्पिटल में है, गंभीर है, उसने जो है खीर बनवाई थी 51 किलो दूध की, उनने अपनी तरफ से मतलब दूध दिया था, सामान दिया था, और बाकी का जो है टॉफी वगैरह बिस्कुट वगैरह, वैसे खाली वो माखन मिश्री में नहीं पता चला कि मिश्री में क्या चीज आ गई ऐसी। तो इसमें जो है हमारी नजर में तो 5 थे वैसे, उस बच्चे ने भी खाया था, वो बच्चा भी ठीक है जो बना था, उस बच्चे के कुछ भी नहीं हुआ, उसके गर्म 3 बार हुआ है। हॉस्पिटल भी हम मतलब रात को भी बहुत लेट आए थे, तो अभी भी सुबह भी हम गए देखने के लिए, तो क्योंकि हमारा देखो धर्म बनता है कि पता नहीं कि ये किस कैसे गलती से, किसकी गलती से कौन क्या डाल गया, ये नहीं पता चला। तो इसके लिए जो है पुलिस भी आई थी बेचारी, उनने भी मतलब हमारा हर तरीके से मतलब वो करके नहीं है, वो उसको जो है टेस्ट के लिए भेजा गया है, इसमें क्या चीज़ मिलावट है। दो पेशेंट जिन्होंने कोई माखन मिश्री के रूप में प्रसाद का सेवन किया था, और जो कि ब्रह्मशक्ति संजीवनी अस्पताल आईसीयू में एडमिट हैं, और उसकी वजह से आई थिंक कोई सब्सटेंस ऐसा शरीर के अंदर प्रवेश किया है, जिसकी वजह से जो टंग है, जीभ का हिस्से पे काफ़ी अल्सरेशन, रेडनेस, इडीमा, इन्फ्लेमेशन है और ब्लैक स्पॉट्स हैं, और अभी पेशेंट मुंह से कुछ खा भी नहीं पा रहे हैं, और वो ब्रह्मशक्ति संजीवनी अस्पताल में आईसीयू में एडमिट है। तबीयत हालांकि वाइटल स्टेबल है, बट दे आर अनेबल टू टेक एनीथिंग ओरली, क्योंकि उसमें काफ़ी इरोजन हो जाते हैं फूड पाइप के अंदर, ईसोफेगस के अंदर और स्टमक के अंदर, तो कुछ भी यदि ओरली देते हैं तो उनको पेन होता है, और इनिशियली तो दरवाजा लॉट ऑफ इडीमा एंड स्वेलिंग ओवर द टंग एंड अराउंड द आईज ऑल्सो एंड ओवर द फेस। Total, we had a 6 patient, total 2 patient, and there were totally 6 patient in the temple who took this prasad.